In this problem, statement 1 says Coulomb's law obeys Gauss theorem. Now this simple statement has got lot of stuff going on in it. क्या हो रहा है देखिए ये सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया कूलम्स लॉ ऑबेज गॉसेस थ्योरम. अब हाउ डू वी से कि कूलम्स लॉ बेसिक है या गॉसेस थ्योरम बेसिक है. कूलम्स लॉ टॉक्स अबाउट फोर्स एंड गॉसेस थ्योरम टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. हम कैसे कह सकते हैं कि गॉसेस थ्योरम कूलम्स लॉ का कॉन्सिक्वेंस है या कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस है. टर्न्स आउट कि अगर हम बात करें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर फंडामेंटल देन फोर्स. सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है आपको बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर फंडामेंटल देन फोर्स. ऐसा हम क्यों कह सकते हैं. इमेजिन दिस, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और हमने ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू. अगर हम इससे बहुत बड़ी डिस्टेंस लेट्स से स्मॉल आर इज वेरी लार्ज यहां पर एक चार्ज रख दें एकदम से स्मॉल क्यू तो इफ फोर्स इज फंडामेंटल देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज टू रीच दिस पॉइंट शुड टेक सम टाइम. क्योंकि कोई भी इफेक्ट दुनिया में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट नहीं चलता. तो फोर्स तो तब लगेगा जब दो चार्ज होंगे और फील्ड कब आएगा जब एक ही चार्ज होगा. जब हमने यहां पे दूसरा चार्ज रखा उसके बाद फोर्स लगना शुरू होना चाहिए. तो अगर हम यहां पे दूसरा चार्ज रखते हैं मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज रखते हैं तो अगर फोर्स फंडामेंटल है तो उस केस में इस चार्ज पे फोर्स कब लगेगा. After time t is equal to r by c, क्योंकि कोई भी इफेक्ट इस वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता तो इस पे फोर्स लगने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है. एज सून एज वी कीप अ चार्ज हियर द टू चार्जेस स्टार्ट इंटरैक्टिंग. जैसे यहां पे चार्ज रखोगे वैसे ही दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स देयर वॉज समथिंग देयर एट दिस पॉइंट इवन बिफोर क्यू वॉज प्लेस्ड हियर. और वो चीज क्या है. वो चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर फंडामेंटल. देखिए हम कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम डिराइव कर सकते हैं गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं बट फंडामेंटल दोनों में से कौन ज्यादा. अगर आपसे जबरदस्ती ये सवाल पूछ ही लिया जाए तो कौन ज्यादा फंडामेंटल है. गॉसेस थ्योरम ज्यादा फंडामेंटल है और हम ये कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ ओबेज गॉसेस थ्योरम. उल्टा नहीं कहेंगे कि गॉसेस थ्योरम ओबेज कूलम्स लॉ. नहीं, गॉसेस थ्योरम फंडामेंटल है कूलम्स लॉ उसके बाद आना चाहिए. ये बात और है कि हम लोगों ने पहले एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोगों को के लिए फोर्स को ऑब्जर्व करना आसान था इसलिए हम लोगों ने पहले फोर्स के बारे में बात की. पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ बना लिया उसके बाद हम लोगों के पास आया गॉसेस थ्योरम. बट एक्चुअली गॉसेस थ्योरम इज बेटर. गॉसेस थ्योरम इज मोर फंडामेंटल इसलिए हमें कहना चाहिए कूलम्स लॉ ओबेज गॉसेस थ्योरम. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. जबकि स्टेटमेंट टू क्या कहता है. कूलम्स लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. बिल्कुल सही बात है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नाउ क्या ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है. कूलम्स लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. देखिए दुनिया में कोई भी फील्ड अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है दुनिया का कोई भी फील्ड अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है तो वो गॉसेस थ्योरम को फॉलो करेगा. अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है. ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता है के क्यू बाय आर स्क्वायर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे मिलता है जी एम बाय आर स्क्वायर. तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. तो यहां पर भी आपका गॉसेस थ्योरम काम करेगा. इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए गॉसेस थ्योरम क्या होता है. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ
gravitational field dot ds vector is equal to 4 pi g m enclosed. तो आप यहां से यूज कर सकते हैं किस चीज को, आप यहां से बोल सकते हैं कि नहीं, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में भी गॉस लॉ काम कर गया, क्योंकि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, जो कि गॉस थ्योरम है. फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मास. तो गॉस लॉ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी काम कर रहा है, कूलम्स लॉ के लिए भी काम कर रहा है. जहां पे भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा वहां पे गॉसेस थ्योरम काम करेगा. जहां पर भी मतलब जो भी लॉज आपके, जो भी फील्ड्स आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगे दे विल ओबे गॉसेस थ्योरम. तो स्टेटमेंट टू करेक्ट तो है ही है, और ये स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका आंसर क्या होना चाहिए. यहां पे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन.